बहुत दिनों से डिमांड भी आ रही थी बहुत सारे जो सुनने वाले हैं अपने उनसे, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू भी है ये, जिसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट पैथी जो होती है एलोपैथी, उसमें इसका कोई इलाज नहीं सिवाय पेन किलर, एंटी इंफ्लामेटरी एंड फाइनली स्टेरॉइड्स। बट इन होम्योपैथी वी हैव मार्वलस ट्रीटमेंट ऑफ दिस थिंग, और ये प्रूव करते हैं जब आप अपने लिटरेचर्स में जाते हो और बड़े बड़े होम्योपैथ्स के केस रिकॉर्ड्स जब आप देखते हो, उनके रिजल्ट्स आप देखते हो, तो आपको समझ में आता है। बहुत ही प्रेविलेंट, बहुत ही कॉमनली मिलने वाली डिजीज कंडीशन, एंड दैट इज रूमेटिज्म, वात रोग, आम वात, गठिया वात, कई तरह के नामों से इसे पुकारा जाता है। बट जब हम रूमेटिज्म बोलते हैं तो हमको हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए एब्सोल्युटली कि हम जब रूमेटिज्म वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में किस तरह की डिजीज की पिक्चर आनी चाहिए, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए एज ए डॉक्टर। ठीक, आप हमेशा सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे हैं रूमेटिक पेन्स, फलाना रूमेटिज्म, ढिमका रूमेटिज्म, बट वॉट इज एक्चुअली रूमेटिज्म है क्या? व्हाट इज रूमेटिज्म? क्या होता है रूमेटिज्म? कैन एनीबडी टेल? ट्राई करो। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, अफेक्शन ऑफ द बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड मसल्स। काफी हद तक सही है, ये कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, ठीक है ना? काफी हद तक सही है, उसको सही तरीके से आप दिमाग में ऐसे बिठा लें। कोई भी डिजीज, एनी डिजीज, कोई भी बीमारी जिसमें पेशेंट सफर कर रहा हो, दर्द और सूजन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को लेमन लैंग्वेज में अपन सूजन बोलते हैं, बट एज ए डॉक्टर यू नो दैट इन्फ्लेमेशन इज ए प्रोसेस। ओके, इन्फ्लेमेशन मतलब किसी ना किसी तरह की इंजरी हुई है, इंजरी के अगेंस्ट में इन्फ्लेमेशन। तो आप समझ लें कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, एनी डिजीज जहां पे जॉइंट्स में या मसल्स में या फाइब्रस टिश्यूज में, फाइब्रस टिश्यूज बोले तो लिगामेंट एंड टेंडन्स, एक मसल को बोन से जोड़ता है, एक को बोन को बोन से जोड़ता है जॉइंट में, जॉइंट्स में रहते हैं, क्लियर? इनमें से किसी भी चीज में अगर दर्द हो और इन्फ्लेमेशन हो, और दर्द है, दर्द तो एक साइन ही है, सूजन भले ना हो, कोई साइन मिसिंग हो, पूरे पांच के पांच जो है इन्फ्लेमेशन के साइंस जो है वो मौजूद भले ही ना हो, खाली दर्द है तो दर्द भी एक साइन है। सब एक्यूट कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन, ठीक? तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से कि जहां पे भी जॉइंट्स, जोड़, जिस्म का कोई भी जोड़,
जिस्म की कोई भी मसल्स आ जाते हैं लोग बाग। लोग सब देखिए ना, जब से ये मौसम थोड़ा सा ना ये बारिश वाला और ठंडा हुआ है ना, तब से ये ना हाथों में ऐसे बिल्कुल ऐसे फाटन उठती है बिल्कुल ये मसल्स में, कि क्या बताऊं। एक कॉमन सी चीज तो आपको तुरंत है कि मसल्स में पेन है, हो सकता है छू के देखने पे दबाने पे थोड़ा सा उसको दर्द हो, ये थोड़ी सी सूजन भी स्वेलिंग भी देखिए ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्वेलिंग आ गई है, फीवरिश भी हो सकता है और साथ में फीवरिश हो तो इस तरह की चीजें, दैट इज कॉल्ड रूमेटिक टाइप ऑफ फीवर। मतलब एनी डिजीज जहां पे मसल्स जॉइंट्स या फाइबरस टिश्यू में पेन और इन्फ्लेमेशन या पेन इन्वॉल्व हो, दैट इज रूमेटिज्म, ठीक है ना। सो हमारी होम्योपैथी में इतनी सारी रेमेडीज है रूमेटिज्म को ठीक करने की, सब रेमेडीज के बारे में बात नहीं की जा सकती। अपन मेन मेन रेमेडीज के बारे में बात करते हैं और बात करते करते एक ये आपको आइडिया भी दे देते हैं कि अगर आप खुद से अगर स्टडी करना चाहें तो आप किस तरीके से करें। अब 250-300 रेमेडीज है उस पर अपन बात नहीं कर सकते, अपन सिर्फ प्रोमिनेंट रेमेडीज पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे अपन जब चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे थे, काफी सारी रेमेडीज के बारे में अपन ने 10-12-15 रेमेडीज के बारे में बात करी, ठीक है, और आगे फिर मौका मिलेगा तो करेंगे, ठीक। बट उससे आपको खुद को जो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक जनाब पाकिस्तान से हैं सुनने वाले, वो कमेंट करते हैं सर आप हर चीज अधूरी छोड़ देते हैं, हर चीज अधूरी छोड़ देते हैं। वैसे सर है नहीं, अपने बहुत सारे जो सीरीज है वो मुकम्मल है, लेकिन कई सीरीज है जो मुकम्मल नहीं हो सकती, चाह के भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनने तो कह दिया कि डॉक्टर बोरलैंड ने कि इतनी रेमेडीज हैं, लेकिन आप देखोगे अपने रिपर्टरी में जाओगे, मटेरिया मेडिका में जाओगे तो उससे कई गुना ज्यादा रेमेडीज हैं। अपन प्रोमिनेंटली जो यूज होती हैं, जो मैक्सिमम अपने काम आ जाती हैं, अपन ऐसी रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम ऐसी ही रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसका नॉलेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से लोग बाग उसका बड़ा लिमिटेड यूज करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो उसका आप इतना अच्छा और इतना जबरदस्त आज के टाइम में जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीजें तो बड़ी फ्रीक्वेंटली हमको मिलती है, ठीक है। तो हम एक ऐसी रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं जो चीफली, आई एम नॉट सेइंग दैट होली, चीफली खास तौर से इस तरह के रूमेटिक अफेक्शंस के लिए प्रयोग होती है, और अगर इसका आपको नॉलेज है और इसको आपने रिपीटेड एक्सपोजर करके अपने दिमाग में बिठा लिया और किसी के साथ बैठ के उसकी प्रैक्टिस देखी या खुद की प्रैक्टिस से उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो ये बड़े चलते फिरते के आपके हाथ हैंडी हो बड़ी रेमेडी, जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये रेमेडी का नाम है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिसिफ्यूगा। ठीक, होम्योपैथ्स के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है, होती रही है, आजकल वैसे काफी मॉडर्न हो गया जमाना, हो सकता है आजकल नहीं होती हो, हमारे टाइम में काफी हुआ करती थी, कि सारी नई टर्मिनोलॉजीज आ गई और हमारे जो लिटरेचर है वो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में लिखे हुए हैं। जैसे बोल दिया कटार, आज कटार कोई यूज नहीं करता, आज का है समझते हैं हम इन्फ्लेमेशन विद लॉट ऑफ डिस्चार्जेस, ठीक। तो जितना ज्यादा हम समझते जाएंगे, अब लो बीपी, और
और हमारे पास इतने तरीके से ये चीज़ हमारी रिपर्टरी में आपको मिल जाएगी, सिंकिंग सेंसेशन, फेंटनेस, बट आपको अपनी जो लैंग्वेज है रिपर्टरी की, मटीरियल मेडिकल की, उसको मतलब पुरानी शराब को जो है नए बोतल और नया लेबल जो चल रहा है उसमें डाल के आपको पीना पड़ेगा, तब समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो अब मॉडर्न लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो बोलोगे अरे हाँ यार ये तो यही है। जैसे आजकल कितनी कॉमन है, कितनी कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डॉर्सल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कितनी कॉमन है आपके सामने स्पॉन्डिलाइटिस, आप स्पॉन्डिलाइटिस ढूंढने लग जाते हैं और वो आपको नहीं मिलता। कहीं कहीं एक आज रेमेडी में अगर लिखा हुआ स्पॉन्डिलाइटिस मिल गया तो फिर लोग बाग उसी में बिल्कुल एकदम स्टीरियोटाइप देने की प्रैक्टिस, जैसे एक जगह कहीं गलती से लिख गया कुछ में कौन सी दवा है ना, ऑरम्यूर नेट्रोनेटम, नहीं आर्सल फ्लेवम में लिख गया वाइट स्पॉट्स विटिलिगो, जिसको देखो होम्योपैथी में ज्यादातर विटिलिगो तो बोले तो आर्सल फ्लेवम दे रहा है बिना उसको इंडिविजुअलाइज किए, और फिर फेलियर होता है। होम्योपैथी कभी करती है, करती है तो अच्छा करती है, नहीं करती तो नहीं करती। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो टर्मिनोलॉजी आप देखते हैं, तो अगर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को समझेंगे क्या है भैया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, वर्टेब्रल जॉइंट जो है वहां पे गड़बड़ी है, या तो फाइबरस टिश्यूज अफेक्टेड हुए, वहां के मस्कुलर पेन भी है उसको, वो पेन रेडिएटिंग भी हो सकता है। अक्सर आपके सामने जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आता है तो कॉमनली क्या प्रॉब्लम लेके आता है, पेन इन नेप ऑफ नेक, पेन रेडिएटिंग टू द आर्म्स, नंबनेस, यही रहता ना, यही लेके आते ना। ठीक, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में क्या लेके आता है, यहां दर्द, रेडिएटिंग पेन नीचे ग्लूट्स में, थाइस तक में, और वही नंबनेस, टिंगलिंग, यही लेके आता ना। ठीक, और अब आप सुनना सिमिसिफुगा का डिस्क्रिप्शन, कहीं नहीं लिखा उसमें स्पॉन्डिलाइटिस, बट अगर आप ऐसे होम्योपैथ, एक होम्योपैथ के नजरिए से इसको समझोगे तो आप समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकम है, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया है ना, ऐसी कुछ। डॉक्टर क्लार्क इसके बारे में क्या कहते हैं, रूमेटिज्म अफेक्टिंग द वर्टेब्रल जॉइंट्स एंड स्पेशली इन द नेक, स्पॉन्डिलाइटिस का जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, जॉइंट में पेन है ना, जॉइंट के टेंडन में पेन है, लिगामेंट में पेन है ना, उसमें प्रॉब्लम हो गई है, वो ढीला हो गया है, तो गुरिया सरक रहा है, तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है गुरिया जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो दबा रहा है नर्व को, पेन रेडिएट हो रहा है, नंबनेस फील हो रही है। ऑलमोस्ट आपको स्पेसिफिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में सिमिसिफिगा के सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे दिखेंगे, और अक्सर अगर खास तौर से इस तरह का मौसम अगर हो जाए तो कोल्ड वेट,
गर्दन का दर्द लेके आ गया, अच्छा खासा हो रहा, स्टिफ हो गई है या अकड़ गई है या हिलाने डुलाने बहुत पेन हो रहा है या उसके साथ फीवर भी आ रहा है, ठीक। तो जनरल कंडीशन समझ लेना। अब क्या हो गया, अब यहां पे हमने और उसको स्पेसिफिक उसका ढूंढ लिया कि खास तौर से इस तरह, क्योंकि जाएगा उसका डायग्नोसिस क्या होगा वो करेंगे, यहां पे हमारा ये वगैरह करवाएंगे, यहां पे पूरा इन्फ्लेमेटरी, ठीक है ना, आर्थराइटिस के पूरे साइन दिखेंगे, समझ में, बोल दिया जाएगा भैया आपको है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक। लेकिन इसकी, इसके साथ साथ इसकी अगर आप जनरल कंडीशन को भी एक समझ लेंगे, डॉक्टर केंट बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं द पेशेंट इज ऑलवेज चिली, मतलब इसको ठंड बहुत लगती है, गर्मी के मौसम में भी ज्यादा तेज पंखा चला के नहीं बैठते लोग, या कूलर कूलर वूलर की हवा से अफेक्टेड हो जाते, कोल्ड कोल्ड वेट, कूलर की हवा बोले तो कोल्ड वेट, पानी के साथ मिली हुई होती है ठंडी हवा, है ना, नमी वाली हवा है, कईयों को ड्राई कोल्ड से इफेक्ट नहीं होता। तो कहते हैं डॉक्टर केंट द पेशेंट इज ऑलवेज चिली, इजिली अफेक्टेड बाय कोल्ड, ठंड से आसानी से, कुछ नहीं गए थे, थोड़ा हवा लगी थी, ठंड लगी थी, उसके बाद से ना ये गर्दन पकड़ कर ली, उसके बाद से बहुत दर्द कर रहा है, हाथों में झुंझुनी सी आती है, पूरा दर्द से हाथ तक आता है, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन। मॉडर्न लैंग्वेज को और अपन अपने उसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसकी इंडिविजुअलिटी को भी समझ रहे हैं कि ये नहीं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम पे ही दौड़ गए बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं, ज्यादातर लोगों को कवर कर सकती सी मिसी होगा, पर हर किसी को नहीं, किसी को हॉट से ग्रेविटेड होता होगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, मतलब सिमिसिफगा। तो सिमिसिफगा के बारे में जनरल चीज बताते हैं कि ये हमेशा चिली रहता है, इसको हमेशा ठंड लगती है, बहुत आसानी से कोल्ड से अफेक्टेड हो जाता है ये पेशेंट, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड डैम्प वेदर, जैसे अभी चल रहा है बारिश हो रही है इसमें ठंडक आ गई है ना। आगे कहते हैं ये सब चीजें कोल्ड कोल्ड एंड डैम्प, डॉक्टर केंट कहते हैं विच राउजेज द रूमेटिक स्टेट्स, जो इसके अंदर रूमेटिक स्टेट्स पैदा करती है। तो रूमेटिक स्टेट्स मतलब या तो मसल्स का पेन दर्द या सूजन खिंचाव अकड़न लेके आ जाएगा, या तो जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम लेके आ जाएगा, है ना, फाइब्रस टिश्यू लिगामेंट ये वो, है ना, अकिलीस की टेंडन, टेंडो अकिलीस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं टेंडो अकिलीस, ये मोटी मोटी होती है ना एडी के ऊपर, अच्छी मोटी रस्सी जैसी, क्यों बोलते हैं टेंडो अकिलीस, अकिलीस के बारे में जानना है तो एक मूवी है बहुत अच्छी इंग्लिश मूवी, वो देखना ट्रॉय, देखी किसी ने ट्रॉय, देखना ट्रॉय, बिल्कुल देखना, हिंदी में डब भी मिल जाएगी। अकिलीस एक बहुत महान योद्धा कहलाया जाता है, पुराने यूनानी शासक शासनकाल जब हुआ करता था, कहते हैं उसी से हरकुलिस लोगों ने निकाल लिया, अकिलीस को कोई हरा नहीं सकता था, उसकी मौत जो टेंडन है ना उसमें तीर लगने से हुई थी, तो उसके सम्मान में तब से उसको अकिलीस की टेंडन बोलते हैं, टेंडन टेंडो अकिलीस, समझ गए, देखना ट्रॉय, बहुत निराश नहीं होगे, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बेहतरीन, ए क्लास। तो इस तरह की चीजों में क्या बोला डॉक्टर केंट ने, दिस कंडीशन कोल्ड कोल्ड एंड डैम्प अराउजेस द रूमेटिक स्टेट्स, ऐसी कोई भी चीज लेके आ गया इस सीजन में, अचानक से तुम्हारे पास तुम्हारे घर वाले आ जाए, तुम्हारी मम्मी आए, बेटा देख रहा यार हाथों में बड़ी कैसे दर्द हो रहा है, बिल्कुल एकदम खिंचाव हो रहा है, पैरों में लेके आ गए, आप देख रहे हैं मसल्स में पेन, कुछ समझ में नहीं आया आपको, आपको ये तो समझ में आ गया ये तो एक रूमेटिक स्टेट है,
फिर आपने तुरंत आपके दिमाग में आया कि डोमिनेंट कंडीशन अभी कोल्ड वेट चल रहा है, सिमिसिफुगा। तुम देख रही हो अपने क्लिनिक में जब से मौसम आया है तुम रोज बैठती हो, सिमिसिफुगा कितनी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही, रिमेटिक स्टेट्स लेके आ रहे हैं लोग, है ना। तो क्या कह रहे डॉक्टर केंड ने, विच अराउजेस क्या कोल्ड या कोल्ड एंड डैम, ठंडा नमी वाला या ठंडा, इजिली अफेक्टेड हो जाता है कोल्ड से, बताया इसके बारे में। विच अराउजेस रूमेटिक स्टेट्स एंड डिवलप्स ए स्टेट ऑफ रूमेटिज्म नॉट ओनली इन मसल एंड ज्वाइंट ऑल ओवर द बॉडी बट ऑल्सो अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द नर्व्स। ये सिर्फ मसल्स और ज्वाइंट को इफेक्ट नहीं करता, नर्व के कोर्स को। इसलिए इसके दर्द के साथ आपको अक्सर नर्व का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि नर्व को दबा देने से नर्व कहीं दब जाए और उसकी वजह से सुन्नपन आए, ऐसे दर्द मस्कुलर या जॉइंट या इस तरह की रूमेटिक पेन, इस तरह की वेदर कंडीशन और साथ में सुन्नपन, जैसे कि किसी ने नर्व को दबा दिया हो, आए तो आपके दिमाग में तुरंत आएगी ये कंडीशन जो है ये है सिमिसिफुगा की, एकदम क्लियर। बात समझ में आए, क्लियर समझ में आया, ठीक है ना। अब और ये जो मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, अब इतना आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, अब इस चीज को और बोलने के लिए, बताने के लिए और क्लियर करने के लिए अपन देखते हैं। तो देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लेकिन कहीं अपने अपने टेक्स्ट किस तरीके से बात करते हैं, डॉक्टर एस सी एलर अपने की नोट में कहते हैं सिमिसिफुगा के बारे में, पेन इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, की नोट मतलब समझो ये बहुत भारी बात हो रही है, एलन की नोट का स्टेटमेंट है ये, क्या कह रहे हैं, रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, कोई पीठ दर्द लेके आ गया आपके पास, कोई गर्दन का दर्द लेके आ गया आपके पास, ठंड को एक्सपोज हुआ था या कोल्ड एंड डैम्प वेदर को एक्सपोज हुआ या इस तरह की वेदर कंडीशन चल रही है और आपके पास लेके आ गया, या तो बैक में पेन हो रहा है, खासतौर से अपर रीजन डॉर्सल और नेक पे इसका खास असर होता है सिमिसिफुगा का, होते पूरे बैक में खास असर और उसमें भी खास नेक, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर एच सी एल, रूमेटिक पेन इन द मसल्स ऑफ नेक एंड बैक फील्स स्टिफ, अकड़ी हुई लगती है, चाहे गर्दन हो चाहे पीठ, लेम जैसे कि जान नहीं है, लेम कमजोर, लेम लंगड़ा पंगू जिसमें जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो नहीं है, दैट इज लेम, अकड़ा कमजोरी कॉन्ट्रैक्टेड ऐसा फील होता है, स्टिफ हो गई है, अकड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ गई है, कमजोर फील हो। एंड अगर आप देखेंगे, आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप देखेंगे हाउ फ्रिक्वेंटली द पेशेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कम्स विद दीज टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, अकड़न जकड़न खिंचाव सूजन, ठीक है ना। देखो कितनी तरीके से है ना। अब डॉक्टर बोरिक भी इस चीज का समर्थन करते हैं, डॉक्टर बोरिक भी इस चीज का समर्थन अपनी मटेरिया मेडिका में करते हैं, लेकिन डॉक्टर बोरिक आगे बढ़ के इसके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स भी बताते हुए क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक अपने बुक में,
उनकी पॉकेट मैनुअल जो है, ग्रेट वर्क, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन होल हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक लिटरेचर. ओके, क्या कहते हैं? कहते हैं डॉक्टर बोरिक, पेन इन लंबर एंड सैक्रल रीजन डाउन थाई थ्रू हिप्स, हिप्स से होता हुआ नीचे थाई तक जाता. ठीक, ये कंडीशन लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वालों के केसेस में भी मिल सकती है, पर ये किन चीजों से अफेक्ट होते, किन चीजों से एग्रावेट होते, वो जनरल कंडीशन जो डॉक्टर कैंड ने बताई थी वो मत भूलना. एक जगह और इसका यूज होता है, बहुत जबरदस्त यूज होता है, और यही यूज इसको डिसमिनोरिया की, डिसमिनोरिया की औरतों को, स्त्रियों को होने वाली एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन की एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी बनाता है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो. टेक्स्ट क्या कहते हैं? डॉक्टर एच सी एलन, डॉक्टर एच सी एलन अपनी कीनोट में कहते हैं रूमेटिक डिसमिनोरिया, बस इतना बोल के छोड़ दिया उन्होंने. क्या बोला? रूमेटिक डिसमिनोरिया. तो अगर आपके पास कोई लेडी आती है और ये कहती है कि जब मुझे पीरियड्स होते हैं उस टाइम मेरी कमर बहुत दुखती है, या मेरी पीठ बहुत दुखती है, मेरी गर्दन बहुत दुखती है, अकड़ जाती है, पेट में मड़ोड़ होता है, ये मसल्स, सी मसल्स क्रैम्प पेन, और ये कमर पकड़ लेती है बिल्कुल एकदम जैसे कि अकड़ गई हो, जैसे कि जकड़ गई हो, या खींच रही हो, यहां से दर्द पूरा कूलों से होता है वो पूरे जांघों तक जाता हो, ये रूमेटिक स्टेट्स पैदा हो रही है. किसमें? विद पेनफुल मेंसेस, रूमेटिक डिसमेनोरिया. लेकिन एक खास चीज अगर मिल जाए तो सिमिसिफुगा 100% लग जाती है, और वो ये है, डॉक्टर साहब सेकेंड एंड दूसरे डे मेरी बहुत हालत खराब रहती है, क्योंकि उस दिन ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है और उस दिन पेन भी बहुत होता है. तो एक खासियत है, ये खासियत है सिमिसिफुगा की, कि मोर द फ्लो मोर द पेन. इसलिए कहा गया है रूमेटिक. हाथ पांव बहुत दर्द कर रहे हैं, पूरी मसल्स मेंसेस के टाइम अकड़ गई हैं, या सूज गई हैं, या छूने या दबाने से या हिलाने से दर्द हो रही हैं. व्हाट इज ये? रूमेटिक स्टेट, रूमेटिक डिसमेनोरिया. मोर द फ्लो मोर द पेन बड़ी फ्रीक्वेंटली इंडिकेट हो सकती है, अगर आप बिल्कुल क्लैरिटी वाले नजरिए से चीजों को देखें तो. चीजें सब आपके पास हैं, उसको इस तरीके से क्लैरिटी में लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोले कहीं दिए ही नहीं है. एस सी एल ने पूरा पूरी की नोट में स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कहीं कोई बात ही नहीं की, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं. स्पॉन्डिलाइटिस शब्दों पे मत जाओ, समझो अपनी चीजों को. ठीक है, और डॉक्टर बोरिक की बुक में अगर कोई, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर कोई चीज इटैलिक्स में लिखी हुई है तो फिर वो अचूक होती है, रामबाण होती है. रामबाण बोले तो रामबाण कैसे समझते हैं? अचूक, जो चूके नहीं. और बोरिक, डॉक्टर बोरिक की उसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ, डॉक्टर बोरिक कहते हैं स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रेक्शन इन नेक एंड बैक. लकड़ी जैसी हो गई बिल्कुल, एकदम हिलते डुलते नहीं बन रहा, या कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अकड़ गई. अच्छा पेन है, चाहे वो पीठ हो, चाहे वो डॉर्सल रीजन हो. वो लेडी आई थी, कैसे तड़प रही थी, तुम देख रही थी, नेक रूमेटिज्म और ये डॉर्सल रीजन के रूमेटिज्म से. ठीक, आप कोरिलेट कर पा रहे हो स्पॉन्डिलाइटिस से इसको? कोरिलेट कर पा रहे हो अच्छी तरीके से स्पॉन्डिलाइटिस से इसको? तो अब रूमेटिक डिसमेनोरिया,
याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है? अच्छा, अगर कई लोग, एक एक होता है जैसे अचानक से कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, अचानक से कभी कोई सुबह सुबह उठा, रात भर अच्छी बारिश हुई, अच्छा माहौल ठंडा हो गया, कोई सुबह सुबह उठ के चलो थोड़ा ऐसे किया और ये अकड़ गई, स्टिफ और स्टिफ हो गई, अकड़ गई, या थोड़ा सा ऐसी अंगड़ाई लिया या कुछ ऐसा, चल अचानक से यहां कहीं कमर में पकड़ लिया, कई लोग बोलते कुस्का आ गया, आदमी हिल भी नहीं पा, वैसे ही हो गया, कई जगह कॉमन लैंग्वेज में बोलते ना कुस्का आ गया, ये हमारी रिपर्टरी में दिए क्रिक, क्या दिया वो क्रिक, क्रिक इन बैक, कुछ रेमेडीज आप देखेंगे डॉक्टर बोरिंग, जैसे आप एगेरिकस में देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा क्रिक इन बैक, ऐसे कई पेशेंट को एगेरिकस से मैंने ठीक किया है जो अचानक से शटर उठाते हुए या अचानक से पांव से भारी वजन सरकाते हुए अचानक से ऐसे पकड़ लिया, ऐसी ले गया उसको अकड़े हुए, वहां जांच होकर पता चला भैया गुड़िया सरक गया या कुछ दब गया या ऐसा हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, एगेरिकस उसमें बहुत काम आई। बट सीबीसी फिगर में भी दी क्रिक का मतलब होता है पेनफुल स्टिफनेस फीलिंग इन नेक और बैक, ऐसे ठंड को एक्सपोज होने से या ठंडे नमी वाले मौसम को एक्सपोज होने से अगर किसी की गर्दन अकड़ जाए, स्टिफ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पेनफुल स्टिफ फीलिंग इन नेक और बैक, पकड़ लिया हिलते नहीं मन, और ऐसा कोई एक्सपोजर हो, है ना, इसके लिए क्या क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं डॉक्टर बोरिक क्रिक इन बैक, क्या बोलते हैं क्रिक इन बैक, एंड व्हाट इज क्रिक, क्रिक इज नथिंग बट पेनफुल स्टिफ फीलिंग इन नेक और बैक, पीठ में कहीं भी, अचानक से कोई आई बीचों बीच में बिल्कुल ऐसा लगता पकड़ लिया डॉक्टर साहब, एकदम ऐसे आगे होते नहीं बोला, अरे बहुत दर्द कर रहा है, छू रहा है तो भी शायद दर्द कर रहा है, हो सकता थोड़ी बहुत मसल्स में वहां स्वेलिंग भी आपको नजर आ जाए, माइनर इन्फ्लेमेटरी साइन थे, ठीक, और अगर एक्सपोजर ये हो, एगेरिकस को तो मैंने यूज किया है कोई ऐसा शटर उठाते टाइम या वजन सरकाते टाइम हुआ इस तरीके का, तो एगेरिकस से मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, एगेरिकस 200 इन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, बट इस वेदर कंडीशन से अगर इस तरह की कोई कंडीशन पैदा हो जाए तो गर्दन में या कहीं पे भी बैक में पकड़ ले पेनफुल, अचानक स्टिफ हो जाए, जरा से भी हिलने डुलने में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल ऐसी अकड़, है ना, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ सीबीसी फुगा, क्लियर है ना, एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक। रेनिनकुलस बल्बोसस की तरह, अच्छा ये पूरे पूरे हिस्से को, ये पूरा जो रिब केज है ना, ये पूरे को इफेक्ट करती है, सीबीसी फुगा भी, रेनिनकुलस बल्बोसस भी, पर रेनिनकुलस के बल्बोसस के पेन्स ज्यादातर आपको वो भी इंटरकोस्टल रूमेटिज्म में काम में आती है, ये भी सीबीसी फुगा भी इंटरकोस्टल रूमेटिज्म में काम में आती है, लेकिन उसके पेन जो सेंटर्ड ज्यादा रहते हैं रेनिनकुलस बल्बोसस के, वो सामने की तरफ ज्यादा सेंटर्ड रहते हैं, छाती का दर्द, छाती की अकड़न, छाती में सूजन, छाती में कहीं पकड़ लिया, और इसके जो सेंटर्ड रहते हैं ये बैक साइड में ज्यादा रहते हैं, डोर्सल एंड नेक साइड में, सीबीसी फुगा के, बोथ आर इफेक्टिव फॉर इंटरकोस्टल रूमेटिज्म, इंटरकोस्टल, समझ रहे हैं ना, आपकी रिब केज जुड़ी हुई है यहां की छाती की, इधर की पूरे मसल,
डिफरेंस क्या है, सिमिसिफ्यूगा कब देना है, रेनिनक्युलस बल्बोसस कब देना है, ये देख लेना। ज्यादातर जब सीवियरिटी सामने की तरफ हो रूमेटिक पेन की, देन थिंक अबाउट रेनिनक्युलस बल्बोसस, और सीवियरिटी अगर पीछे साइड में हो देन थिंक अबाउट सिमिसिफ्यूगा। ऐसे आपको आपकी रेमेडी एकदम क्लियर होनी चाहिए, और इस तरीके से बार बार रिपीटेशन करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर सामने आते ही आप होता है फटाफट काम नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर और सही होना चाहिए। ठीक, सो अब इसी को देखो, बोलता रहा हूं तुमको, ज्यादातर स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में जो लोग बाग अलग अलग कंडीशन लेके आते हैं वो ज्यादातर आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। देखिए डॉक्टर हेरिंग भी और डॉक्टर क्लार्क भी दोनों ही अपनी मटेरियल मेडिकास अपने वर्क में ये कहते हैं, और डॉक्टर हेरिंग तो एक क्योर्ड केस बताते हैं। डॉक्टर हेरिंग ने जितने भी सिम्टम बताया है उनको चार भागों में उन्होंने डिवाइड करके रखा है, और चारों को उन्होंने निशान, एक को डबल स्टार, एक को सिंगल स्टार, है ना, एक को डबल लाइन और एक को सिंगल लाइन, ऐसे उससे आप समझ जाते हो। तो ये सिंगल स्टार वाला सिम्टम है, कहने का मतलब इनने क्योर किया है और उसको फिर क्योर किया है, क्योर से वेरीफाई किया उसको। ठीक है, और ऐसे अपना एक बता रहे, ये समझ लो केस ही बता रहे हैं कि उनके पास एक केस आया था कि एक आदमी आया, वो ठंडी हवा खाया था, कोल्ड एयर को एक्सपोज हुआ था, कोल्ड एयर को एक्सपोज होने के बाद उसकी गर्दन अकड़ गई थी, स्टिफ नेक फ्रॉम कोल्ड एयर, और वो अकड़न ऐसी थी कि वो पेन, क्या कहते हैं, हाथों को भी हिलाने से वो पेन, कि देखिए ये जरा सा भी हाथ हिलाओ ना तो यहाँ खूब ऐसे दर्द खिंचाव होता है, ये तो हाथों को, इवन मूविंग हैंड्स, क्या कहते हैं डॉक्टर हेरिंग, स्टिफ नेक फ्रॉम कोल्ड एयर, पेन फ्रॉम मूविंग इवन हैंड्स, हाथों को भी हिलाने में यहाँ, जैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ खिंचाव होता है, ऐसा लगता है कि पूरी कोई नस दबी यहाँ से लेके आता है, इस तरीके से लोग बाग एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आए? ठीक, और एक जगह डॉक्टर हेरिंग सिर्फ इतना कह के कह छोड़ देते हैं, रूमेटिज्म ऑफ डॉर्सल मसल, पीठ के रूमेटिज्म का ऊपर समझे ना, डॉर्सल ध्यान रखना, सबसे इसका इसका ज्यादा सेंटर्ड कहां पे होता है, नेक एंड डॉर्सल, डॉर्सल बैक में भी ये अपर पार्ट ध्यान रखना, ये सेंटर्ड रहता है। तो अगर कोई सिंपल सिंपल इस मौसम में ठंड या ठंड खा जाए और उसको पीठ में दर्द हो जाए, यही डॉर्सल रीजन में अकड़न महसूस हो रही है, या स्टिफनेस महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसे करो खिंचाव महसूस हो रहा है, वो एरिए में आप कंफर्म हो गए कि ये रूमेटिक पेन है, ये अंदर कोई कहीं ऑर्गन हार्ट वार्ट का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अभी कुछ दिनों पहले मेरी मदर का फोन आया, वो डर गई कि मेरे को छाती में बहुत पेन हो रहा है, बिल्कुल हार्ट के पास बिल्कुल ऐसा पेन हो रहा है। ठीक है, तो पापा वगैरह उनको लेके गए और जांच कराए, इको विको सब करवाए, तो हार्ट वगैरह सब नॉर्मल, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ऐसा लगा उनसे फोन पे बात करके कि यार ये तो फिर रूमेटिज्म है, रेनिनक्युलस बल्बोसस से ठीक हो गया, उसके बाद फिर एक्सपोजर हुआ तो ये ऐसी ही चीजें पीठ में हुई, तो सिमिसिफ्यूगा से ठीक हो गई। ठीक है ना, डॉक्टर केंट भी कह, डॉक्टर केंट भी कह देते हैं, डॉक्टर केंट कहते हैं रूमेटिज्म इन द बैक, बैक की बात करें तो याद रखना, पीठ से, कमर से, खास तौर से पीठ से, यानी कि डॉर्सल रीजन, उससे भी खास तौर से नेक की कंडीशंस रूमेटिक लेके आए तो, और किस किस क्या क्या खासियत हो, कैसा एक्सपोजर हो, कैसी नर्व की कंडीशन फील हो रही हो, ठीक।
और रिच कर लो अपने इस नॉलेज को। आप बोलोगे कि करीब करीब ज्यादातर कंडीशन तो सब मैच ही हो रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मिलने से। क्या कहते हैं डॉक्टर हेरिंग अपने मटेरिया मेडिका में, क्रैम्प इन मसल ऑफ नेक ऑन मूविंग हेड। जब ये सर हिलाता है या कुछ करता है तो यहाँ पे ऐसा लगता है अकड़ रहा है, क्या बोलेगा, अकड़ रहा है, क्रैम्प आ रहा है, ये सब करोगे ऐसा लगता है यहाँ अकड़न हो रही है, अकड़ रहा है, यहाँ अकड़ हो रहा है, ऑन मूविंग हेड, क्रैम्प इन मसल ऑफ नेक ऑन मूविंग हेड। और वो क्रैम्प नेप वाले एरिया में हो सकता है, इधर के भी सर हिला रहा, तो यहाँ पे भी ऐसे क्रैम्प आ रहा है जैसे कि अकड़ रही हो, तो एकदम से रुक जाता है आदमी। यहाँ भोपाली लोग आते हैं मेरे पास तो वो क्या कहते हैं, मसल्स में ऐसे कहीं पे भी क्रैम्प आए और छूटे, बोले डॉक्टर साहब जरा से देखिए मोजा उतारने के लिए जरा सा ऐसे किया तो यहाँ पे है ना, जरा सा ऐसे झुका तो यहाँ पे क्रैम्प एकदम से तुरंत सीधे हो जाने पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बाय आ रही है, आपने सुना होगा बाय आती है, सुना है, लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं जैसे क्रैम्प हो रहा है तुरंत आदमी रुक जाता है, यू कर रहे हो आप ऐसा लगे क्रैम्प आ रहा है तुरंत आप ऐसे हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन भी इसमें मिलती है, इट्स वेरी ग्रेट रेमेडी, वन ऑफ द वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर द रूमेटिक कंडीशंस, ठीक, इसको समझ जाओ इसका। तो अब इसके बाद तो आज हम सिमिसिफिका से रिलेटेड उसके बैक खास तौर से सर्वाइकल रीजन नेक रीजन के बारे में अपन ने बात करी और उसको समझने की कोशिश करी। बट जहां तक रूमेटिज्म का सवाल है ये इससे भी और आगे है, ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सिमिसिफिका को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है सिमिसिफिका इस इतनी ग्रेट रेमेडी है और इतनी अच्छी अच्छी और बेहतरीन कंडीशंस को कवर करती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास आती हैं, तो हो सकता है मुझे कि 2-3-4 लेक्चर लग जाए अकेले सिमिसिफिका में, लेकिन थोड़ा थोड़ा डोज में इसलिए लेके चले कि आप उस चीज़ को डाइजेस्ट करते चलो, फिर बाद में क्लैश नहीं होने पाए, ठीक, समझ में आया है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, स्टॉप करते हैं।